तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। तो आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज अपने पास ये रियलमी का फ़ोन है, जिसमें कि मैं आपको कॉम्बो लगा के दिखाने वाला हूँ। कॉम्बो एलसीडी डिस्प्ले कॉम्बो जो भी है। तो कई बार होता है क्या कि मेरे भाई लोग मतलब इसे लगाने में प्रॉब्लम आ जाती है आप लोगों को। तो प्रॉब्लम क्या आती है, या तो आपकी टच है वो ऑटोमेटिक काम करने लग जाती है, या तो फिर आपका जो कॉम्बो है वो ब्लैंक हो जाता है, ग्राफिक वगैरह मतलब ख़राब हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो आज की इस वीडियो में बस आपको स्टेप बाय स्टेप बस यही बताऊंगा कि आप किस प्रकार से इजी तरीके से आप कॉम्बो को निकालने से लेकर लगाने तक का मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा मेन पार्ट आता है कि बैटरी को निकालना, ठीक है। तो बैटरी को कई मेरे भाई लोग जो नए सीख रहे हैं वो क्या करते हैं कि इस बैटरी को निकालने के लिए ये टीजर वगैरह जो भी है, चिमटी वगैरह जो औजार का यूज़ करते हैं, बट आप लोगों को ये यूज़ नहीं करना है। जो स्टिकर दिख रहा होगा ना आपको ग्रीन कलर का, आपको स्टिकर को पकड़ के ज़ोर से खींचना है। बैटरी कनेक्टर को निकालने के बाद आपको ज़ोर से खींचना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये पहले ही निकल चुकी थी, बट जिसने भी इसे रिपेयर किया होगा पहले, तो आप देख सकते हैं मैं जूम करके ये आपको मैं दिखाया हूँ अच्छे से। ये देख सकते हैं यहाँ पे डैमेज कर दिया किसी ने, इस बैटरी को मतलब स्क्रैच कर दिया, डैमेज ही कर दिया यहाँ से। तो ये बैटरी की सर्विस बहुत कम हो गई होगी, बहुत कम चल रही होगी। और ज़्यादातर इन बैटरियों में आपका अक्सर ध्यान रखना है कि आपको ये स्टिकर जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, इसे पकड़ के ही खींचना है ज़ोर से, तो आपका जो बैटरी है वो निकल जाएगी आसानी से, ठीक है ना। तो क्योंकि ये बैटरी बहुत जल्दी ही आग लग जाती है इसमें, तो उस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो आप फटाफट से इसके जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को हमें अच्छे से क्लीन करना होता है, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लीन करना होगा, अगर अच्छे से क्लीन नहीं करोगे तो अच्छे से कॉम्बो नहीं लगता है, ठीक है ना। ये हमारे पास थिनर है जो आईपी सभी के पास होता है, इसमें थोड़ा सा ब्रश में लेंगे और सभी बॉर्डर पे लगा देंगे अच्छे से, ठीक है। जहाँ पे हमारा कैमरा होता है फ्रंट कैमरा, वहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है। वहाँ का स्पेशल ध्यान रखना, वहाँ पे आप लोग मत लगाना, वरना जो हमारा कैमरा है वो ख़राब हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं सब तरफ लगा देता हूँ और कैमरे की जगह को छोड़ दूंगा मैं। आप लोग भी कुछ इसी तरीके से कैमरे को छोड़ देना, क्योंकि कैमरे पे थोड़ा सा भी ये अगर थिनर आईपी लग जाता है तो कैमरा जो पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है, जो कि फिर ठीक नहीं होता है, ठीक है ना। तो आपके पास कुछ इस प्रकार से चिमटी होना चाहिए, मेरे पास है ये। तो मैं इससे अच्छे से इसे रगड़ रगड़ के अच्छे से एकदम पूरा क्लियर कर दूंगा अच्छे से। जब तक साफ़ नहीं होगा तब तक हमारा कॉम्बो ठीक से नहीं लगता है, ठीक है ना। क्योंकि अगर फिटिंग अच्छे से आएगी तो जाहिर सी बात है अच्छा लगेगा, और अगर काम अच्छा होगा तो ग्राहक आपके पास हर बार आएगा, ठीक है ना। काम अच्छा करके दोगे तो ग्राहक हमारा कंटिन्यू, ग्राहक रेगुलर रेगुलर बना रहता है, ठीक है ना। तो फटाफट से वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके मैं इसे थोड़ा सा साफ़ कर देता हूँ। जब तक जो लोग भी भाई लोग देख रहे हैं वीडियो को, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। उससे होता क्या है, हम जब भी एक नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो को आप सबसे पहले देखोगे। तो फटाफट से इसे मैं साफ़ कर देता हूँ, कुछ इसी प्रकार से आप भी साफ़ करते होंगे, ठीक है ना। तो आप लगाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप कभी भी मतलब कोई भी कॉम्बो ख़राब नहीं करोगे, ठीक है ना। कई बार तो मेरे नए जो नए भाई लोग सीखते हैं तो उनके साथ तो ये प्रॉब्लम तक हो जाती है कि कॉम्बो मतलब फूट ही जाता है, टूट जाता है, क्योंकि अगर वो लगाने का उनको सही तरीका नहीं है, नॉलेज नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, और इस वीडियो के बाद आप कभी भी आप कोई भी कॉम्बो आप ख़राब नहीं करोगे, ठीक है ना। और एक बात बता दूं मैं आपको, जब भी अगर आप कॉम्बो लगाते हो तो उसको चिपकाने से पहले एक या दो बार बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा चेक कर लें, ताकि बाद में कुछ प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। क्योंकि सभी को पता ही है अगर हम कॉम्बो को एक बार भी अगर ग्लू लगा देते हैं उसका स्टिकर निकाल के, तो जो कॉम्बो है वो रिप्लेस नहीं होता है, ठीक है ना। हम जहाँ से भी लाते हैं, हम जहाँ से लेके आते हैं वहाँ रिप्लेस की गारंटी होती है, एक दिन की दो दिन की, ठीक है ना, बिना स्टिकर निकाले, ठीक है ना। तो आप भी जहाँ से लाते होंगे वहाँ आप चेक करके या तो लाते होंगे, तो फिर आपको इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो सारी बॉर्डर को अच्छे से मैंने एकदम साफ़ कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इसे हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, जो न्यू कॉम्बो है हमारा उसे इसमें चेक करेंगे, ठीक है। तो साफ तो अच्छे से हो चुका है, एकदम क्लियर हो गया बिल्कुल। तो अब इसमें हम इसे चेक करेंगे सबसे पहले। तो इसे थोड़ा सा भी दबाना नहीं है, हल्का सा बस ऐसे रख देना है, ठीक है ना। और ये कॉम्बो का जो आप ये जो जैक आप लगाओगे, तो स्पेशल ध्यान रखना सामने साइड से आपको कॉम्बो जो फोल्डर है उसे दबाना नहीं है, जो मिडिल का जो बॉर्डर है ना उनको पकड़ के रखना है, और आपको इस जेक को लगाना है, ठीक है ना। मैं दिखा रहा हूँ आपको, बॉर्डर को पकड़ के रखना है, ठीक है ना, इस साइड दबाना नहीं है आपको, बस मिडिल को पकड़ के रखना है और इस जेक को आपको दबा देना है, बस उंगली से ऐसे, ठीक है ना, अच्छे से सेट करके और दबा देना है। कॉम्बो होल्डर को नहीं दबाना है, बस बॉर्डर को पकड़ के दबाना है, ठीक है ना। तो इस बैटरी को लगा के अब हम थोड़ा सा इसे चेक कर लेते हैं पहले, ये कंप्लीट वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है।
तो फ़ोन ऑन हो चुका है। तो कई बार बस यही होता है क्योंकि हम इसे एक कंप्लीट कॉम्बो लगाने के ज़्यादा से ज़्यादा कितने रुपए लेते हैं, 300 रुपये एक्स्ट्रा लेंगे, 300-400 रुपये बस, इससे ज़्यादा तो नहीं लेते हैं। तो स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारे इस कॉम्बो को लगाते टाइम अगर कुछ इस कॉम्बो में प्रॉब्लम आ जाए तो फिर तो हमारा तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना आप लोग। जो नए नए सीख रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट जो मास्टर है इस चीज़ में उनके लिए तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, बट जो नए हैं वो स्पेशल इस वीडियो की मदद से आप अच्छे से कर पाओगे, ठीक है ना। टूटा हुआ कॉम्बो रहता है तो उसे निकालना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, निकाल सकते हैं, बट चेक करना और लगाना बस यही स्पेशल होता है ना, बस उसी पर ध्यान रखना पड़ता है। तो ये ग्लू है मेरे पास, वाइट वाला है, तो मैं यही ग्लू यूज़ करता हूँ, वो ब्लैक वाला यूज़ नहीं करता हूँ, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, क्योंकि फिर नेक्स्ट टाइम अगर कभी निकालना हो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड हो जाता है वो ग्लू। वैसे अगर वो ग्लू अच्छा भी होता है क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी अगर लाइट अगर लीक हो रहा हो तो वो उसमें रुक जाता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आपकी जो मिडिल है अगर अच्छे से क्लियर होगा तो ये ग्लू भी अच्छा वर्क करता है। और ये ग्लू की एक ख़ास बात यह है कि ये अगर हमें निकालना हो तो ये निकालने में बहुत ही ईजी तरीके से निकल जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए आपको इस जो नीचे साइड पर आप देख रहे हैं इस साइड पर नहीं लगाना है, ठीक है ना, बस यहाँ से लगाना है, ठीक है ना। इधर जो नीचे का आधा हिस्सा है वो हमें छोड़ना होगा क्योंकि ये रियलमी का C2 है, जो कि इसमें मैं देख रहा हूँ, इसमें देखा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, इसका जो डिस्प्ले का जो होता है पत्ता होता है वो बहुत ही मतलब बाहर साइड निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो इस साइड आपको नहीं लगाना, मैं जहाँ जहाँ ग्लू लगाया हूँ आपको भी वहीं वहीं लगाना है, ठीक है। स्पेशल इस चीज़ का ध्यान रखना क्योंकि अगर जो ये ग्लू तो बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, पर वो जो ब्लैक वाला हार्ड ग्लू होता है वो अगर आप यहाँ पे नीचे अगर ज़्यादा डाल देते हो यहाँ से यहाँ के बीच में, तो जो डिस्प्ले है हमारी वो ब्लैंक हो सकती है, ख़राब हो सकती है, ठीक है ना। तो आपको इस एरिया को छोड़ देना है, यहाँ पे आपको ग्लू नहीं लगाना है, ठीक है। तो मैं चेक तो इससे पहले ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो मैं डायरेक्ट ही अब इसे स्टिकर काट के लगा दिया हूँ। अब फटाफट से फ़ोन को कर लेते हैं फिट। अभी भी आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है, ठीक है ना, हल्का सा बस ऐसे ही ये मिडिल को पकड़ के और आपको ऐसे दबा देना है, ठीक है, कॉम्बो को नहीं दबाना है, ठीक है। बैटरी लगा दिया हूँ मैं, अब फटाफट से इसे थोड़ा सा पीछे साइड से हम स्क्रू वगैरह लगा लेंगे और फिर आपको मैं रबड़ लगा के दिखा देता हूँ, क्योंकि काफ़ी मेरे भाई लोग रबड़ यूज़ नहीं करते हैं, टेप यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जिसे जो लगे वो कर सकता है, बट सेफ़ तरीके से करें तो हमारा भी नुकसान ना हो, ठीक है ना। तो फटाफट से स्क्रू लगा देते हैं क्योंकि चेक तो हम पहले कर चुके हैं। तो प्लीज़ भाई लोग, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। उससे होता क्या है, जब भी एक नई वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो फटाफट से स्क्रू कस देते हैं। स्क्रू मैंने लगा दिए हैं, अब इसको जो अब जो पीछे का बैक कवर है, ढक्कन है, इसे लगाने के लिए भी आपको ज़्यादा कॉम्बो पे प्रेशर नहीं डालना है, जो हल्की हल्की जो बॉर्डर है वहीं पे थोड़ा थोड़ा प्रेस करके इस ढक्कन को आराम से अपने लगाना है। क्योंकि अगर खासकर स्पेशल ध्यान रखना कोने, उनको ज़्यादा भी नहीं दबाना है, कोने अगर आप दबाओगे तो जाहिर सी बात है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर ही जाता है, टूट जाता है, क्योंकि जो ओरिजिनल जो होता है वो थोड़ा मजबूत होता है और जो हम कॉपी लगाते हैं तो वो कमज़ोर होता है। तो उस चीज़ को थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखना। तो रबड़ लगा दिए हैं इस साइड, अब इधर भी लगा देते हैं, 3 रबड़ आपको लगा देना है और एक बीच में लगा देना है, ठीक है ना। यहाँ भी लगा दिया हूँ मैं, एक और बीच में लगा देंगे। तो यहाँ भी एक रबड़ मैंने लगा दिया, अब एक रबड़ बस बीच में बड़ी वाली रबड़ लगा दूंगा मैं, तो ये 15-20 मिनट के अंदर अच्छे से फिटिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से किसी भी फ़ोन का जो कॉम्बो डिस्प्ले वगैरह जो फोल्डर है आप उसे इजी तरीके से आप चेंज कर सकते हो और बिना किसी डैमेज, ठीक है ना। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेट करना। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।